तो हे व्हाट्सएप एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी एक ऑल इंडिया मैच की प्रेडिक्शन की वीडियो में। सो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं वेस्ट इंडीज़ वर्सेस साउथ अफ्रीका के फर्स्ट टी20 मैच के बारे में। पांच मैचों की सीरीज होने वाली है, टी20 की बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज होने वाली है। इनका पहला मैच ही बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। जैसे कि आपको पता है, साउथ अफ्रीका जो लास्ट दो मैच जो खेले गए थे इनके टेस्ट मैच जो थे, उनमें दोनों में साउथ अफ्रीका ने पूरा डोमिनेट किया था वेस्ट इंडीज़ को। सो बट गाइस, टी20 जो है वो वेस्ट इंडीज़ का प्लेग्राउंड माना जाता है। इनके पास बहुत बड़े बड़े हिटर्स हैं टी20 के हिसाब से। तो गाइस, इस टी20 सीरीज़ में वेस्ट इंडीज़ का थोड़ा सा पलड़ा ज़्यादा भारी है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। गाइस, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। हम वीडियो में आपको ड्रीम इलेवन की प्रेडिक्शन देंगे, प्लेयर एनालिसिस करेंगे, टीम प्रीव्यू करेंगे, मैच मतलब सब कुछ हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, सारे स्टैट्स देखेंगे। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे दो काम कर दीजिए। एक तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है वो है आपका टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लेना। अब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से क्या बेनिफिट होगा? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको एंड मोमेंट्स अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। टॉस होने के बाद फाइनल टीम भी हम आपको टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड करेंगे मैच से 10-15 मिनट पहले। तो गाइस, वो टीम हमारी फाइनल टीम होगी, उस टीम से आप डेफिनेटली बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप 10 कॉन्टेस्ट लगाएंगे तो गाइस गारंटी मैं देता हूँ कि उस टीम से कम 8-9 कॉन्टेस्ट तो जीतेंगे स्मॉल लीग के। और ग्रैंड लीग की पिक्स भी बताएंगे आप, ग्रैंड लीग में उन प्लेयर्स को लेके जाना, कैप्टन बना के लेके जाना, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट करवा के दे सकते हैं। तो गाइस, चलते हैं अपने टेलीग्राम पे कि कैसे आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। गाइस, टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आता हो हमारे गिवन डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, पता तो उस पे जाके ज्वाइन कर लेना डायरेक्ट, या फिर आप यहाँ पे पॉसिबल 11 सर्च कर सकते हैं डायरेक्ट विदाउट एनी स्पेस। जो आपको 16,693 सब्सक्राइबर वाला चैनल, आपको यही वाला चैनल ज्वाइन करना है। इसके अलावा आपको कोई चैनल ज्वाइन नहीं करना। इससे आपको बेनिफिट जो होगा मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। तो गाइस, चैनल को मस्ट ज्वाइन करके रख लेना। गाइस, चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। सो गाइस, अगर हम बात करें तो दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में, प्लेइंग 11 पे तो चेक कर सकते हैं। लेंडल सिमन, एवन लुइस, क्रिस गेल, निकोलस पूरन, कैरन पोलार्ड, आंद्रे रसल, ब्रावो, होल्डर, ऑल सारे प्लेयर जो है वेस्ट इंडीज़ की टीम के बहुत ही धांसू प्लेयर है, वन साइडेड मैच जिता सकते हैं। अगर इनमें से एक भी प्लेयर चल गया, फॉर एग्जांपल लेंडल सिमन चल गए, या एवन लुइस चल गए, या गेल चल गए, पूरन चल गए, पोलार्ड चल गए, रसल चल गया, ब्रावो, कोई भी प्लेयर चला तो पूरी साउथ अफ्रीका की टीम को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता है। पर गाइस, अगर हम साउथ अफ्रीका की तरफ देखें तो गाइस, साउथ अफ्रीका के जो बॉलर्स हैं ना, आपका गीसो रबाडा, लुंगी एनगिडी, एंड्रिस नॉर्दे, तैबरा शमसी, ये गाइस ऐसे बॉलर हैं कि वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत देंगे बैटिंग करने में। और वैसे भी पिच थोड़ी स्पिनर्स के लिए बेनिफिशियल है। तो गाइस, तैबरा शमसी बहुत अच्छी पिक रह सकते हैं आज के मैच के लिए। आप ग्रैंड लीग में इनको ट्राई करना, विकेट लेने के बहुत ज़्यादा चांस हैं इनके। गाइस, बाकी अगर हम बात कर लेते हैं मैच प्रीव्यू की, गाइस साउथ अफ्रीका, पहले बात कर लेते हैं वेस्ट इंडीज़ के बारे में। वेस्ट इंडीज़ की आपको पता ही है, जो मेन स्ट्रेंथ है वो इनकी बैटिंग है। बैटिंग में भी इनके बहुत पावर हिटर्स हैं, क्रिस गेल हो गए, आंद्रे रसल हो गए, शिमरॉन हेटमायर, एंड बहुत है यार, लेंडल सिमन है, वल लुइस, और एक सारे वन हैंडेड मैच विनर्स हैं अपने आप में। गाइस, अगर हम बात कर लेते हैं दोनों ही टीम इसकी ओपनिंग के बारे में, ओपनिंग में आएंगे एवन लुइस एंड लेंडल सिमन, दोनों बहुत धांसू ओपनर्स हैं आपको पता ही है। मिडल ऑर्डर में आएंगे क्रिस गेल, निकोलस पूलन एंड कैरन पोलार्ड। कैरन पोलार्ड भी बहुत अच्छी फॉर्म में, आपको पता ही है मुंबई इंडियंस के लास्ट मैच अभी जो आईपीएल हुआ था उसमें MI की तरफ से खेल रहे थे पोलार्ड, बहुत अच्छी इनिंग खेल के जाते हैं हर बार। अगर हम बात कर लें गाइस बॉलिंग डिपार्टमेंट में, बॉलिंग में आएंगे फैबी एलन, बहुत अच्छी पिक रह सकते हैं, स्पिन बॉलिंग है, पहली बार स्पिन ट्रैक है ये। गाइस, फैबी एलन को भी बहुत अच्छी सपोर्ट करेगी इस पिच। अगर हम बात कर लें गाइस पेसिंग में, पेस में आएंगे फिडर एडवर्ड्स एंड वेन ब्रावो। वेन ब्रावो को एंड में अपडेट आपको विकेट लेते हुए दिखाई दे सकते हैं एंड डेथ ओवर्स में। भाई, बात करते हैं साउथ अफ्रीका टीम के बारे में। साउथ अफ्रीका टीम भी बहुत अच्छे मोमेंटम में है, बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ टी20 मैच ये वाला खेलने आएगी, क्योंकि आपको पता है लास्ट के दो टेस्ट मैच इन्होंने हराए थे वेस्ट इंडीज़ को। बट गाइस, यहाँ पे ऑड्स डिफरेंट हैं, बैटिंग डिफरेंट है, बैटिंग यूनिट डिफरेंट है, गाइस पूरा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। टी20 टेस्ट में बहुत फ़र्क होता है जैसे कि आपको पता ही है। यहाँ पे थोड़ा सा पलड़ा वेस्ट इंडीज़ का ज़्यादा भारी है, बट साउथ अफ्रीका पूरी कोशिश करेगी कि उनको रोकने की, उनके जो मेन जो रोकने की जो मतलब चाहते हैं ना कि हाँ मतलब समझ रहे हो ना, दो मेन प्लेयर्स रहे उनके बॉलर हैं तीनों, ये तीनों बॉलर्स लुंगी एनगिडी, एंड्रिस नॉर्सन, कगिसो रबाडा, पूरी साउथ अफ्रीका की टीम इनकी इन तीनों बॉलर्स के ऊपर डिपेंड करती है। अगर ये तीनों बॉलर्स ने विकेट ले लिए
वेस्ट इंडीज़ के ओपनर्स की या वेस्ट इंडीज़ के थोड़े बहुत बैट्समैन की, तो गाइस पूरी वेस्ट इंडीज़ की टीम डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखती है टीम ये बैटिंग में। ठीक है, अच्छी बैटिंग में भी अच्छी टीम है यहाँ पे, क्योंकि ओपनिंग में आते हैं आपको पता है क्विंटन डिकॉक एंड एडन मकरम, दोनों बहुत अच्छे ओपनर्स बैट्समैन हैं। बात कर लेते हैं मिडल ऑर्डर में, मिडल ऑर्डर में इनकी तरफ से बैटिंग करने आते हैं तेंबा बैबूमा जो इनके कैप्टन भी हैं, रेसी वैंडर डुसेन एंड एंड्रिस क्लासेन। एंड बॉलिंग डिपार्टमेंट में देख लें, बॉलिंग में स्पिन में आएंगे जॉर्ज लिंडे एंड तैबरा समसी से बहुत उम्मीदें रहेंगी आज की पिच के लिए। बाकी जो मेन बॉलर थे वो तो हैं लुंगियन गिरी, एंड्रिस नॉर्टन, कगिसो रबाडा। हेड टू हेड की बात कर लेते हैं, हेड टू हेड यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ 4 मैच जीती है, साउथ अफ्रीका 6 मैच जीती है। बस गाइस ये कोई मैटर नहीं करेगा आज के मैच में, देख लेना रिजल्ट बिल्कुल उल्टे भी निकल सकते हैं इसके। अगर हम गाइस बात कर लें फैंटेसी टिप्स के, तो स्पिन बॉलर्स प्ले मेजर रोल ऑन दिस पिच। अब मैंने आपको बताया था पिच थोड़ी सी स्लो है, तो स्पिन बॉलर्स अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। टॉप ऑर्डर बैट्समैन विल बी क्रूशल, बिकॉज टॉप ऑर्डर बैट्समैन भी क्रूशल रहेंगे इस मैच में, क्योंकि आपको पता है हाई स्कोरिंग वेन्यू है ये, रन्स ज़्यादा पड़ते हैं, 170-180 ईजिली बन सकते हैं। तो गाइज अब जब ईजिली बनेंगे तो गाइज टॉप ऑर्डर बैट्समैन का उसमें बहुत बड़ा हाथ होता ही, आपको पता ही है। गाइज टॉप ऑर्डर बैट्समैन ज़रूर लेना, बाकी स्पिनर्स भी अपनी टीम में लेके चलना। भाई चेक करते की प्लेयर्स के बारे में अगर हम बात कर लें, तो गाइज लैंडल सिमंस, एवन लुइस, क्रिस गेल, कारन पोलार्ड, जेसन होल्डर एंड कॉटरेल, ये सारे इनके की प्लेयर्स रहने वाले हैं वेस्ट इंडीज़ की टीम की तरफ से। साउथ अफ्रीका की बात कर लें, तो साउथ अफ्रीका में क्विंटन डिकॉक, एडन मकरम, डुसेन, कगिसो रबाडा, तैबरा समसी एंड एंड्रिस नॉर्टेगा, ये तीनों बॉलर्स, चारों बॉलर जो साउथ अफ्रीका के बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ग्रैंड लीग की पिक अगर मैं आपको बता दूँ, कि ग्रैंड लीग में आप आज के मैच में शमसी को कैप्टन बना के लेके जा सकते हैं, एक नए ग्रैंड लीग में क्या पता ये 2 से 3 विकेट ले लें आज के मैच में। अगर हम बाकी और ग्रैंड लीग की पिक के बारे में बात करें, तो गाइस लैंडल सिमंस को आप ले सकते हैं ग्रैंड लीग में, क्रिस गेल को ले सकते हैं। गाइस बहुत अच्छे अच्छे पिक्स हैं ग्रैंड लीग में, आप इन कोई इनमें से कोई भी ले सकते हैं। तो क्रिस गेल ले लीजिए, लैंडल सिमंस ले लीजिए, शमसी ले लीजिए, एडन मकरम, ये गाइस ये चारों मेरे लिए आज की ग्रैंड लीग की पिक रहने वाली हैं। गाइस अगर हम बात कर लें पिच रिपोर्ट के बारे में, पिच रिपोर्ट भी हमारी नॉर्मल, जैसे कि मैं आपको बताई है स्पिन को हेल्प करेगी धीरे धीरे जैसे मैच प्रोसेस होगा। सेकेंड इनिंग्स में आपको आप देखेंगे कि स्पिन बॉलर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये गाइस आज की पिच रिपोर्ट है, और टॉप ऑर्डर बैट्समैन ज़रूर लेना अपनी टीम में। अगर चलते हैं अपने ड्रीम इलेवन की टीम की तरफ, सो गाइस आ गए हम अपने ड्रीम इलेवन के एप्लीकेशन के ऊपर। अगर गाइस हम बात कर लें विकेट कीपर सेक्शन में, विकेट कीपर सेक्शन में अपने पास 3 ऑप्शन आ रहते हैं, या तो आप निकोलस पूरन लीजिए, क्विंटन डिकॉक या हेनरिक क्लासेन। यहाँ से क्विंटन डिकॉक लेना चाहूँगा फिलहाल के हिसाब से। बैटिंग में देखना, तो बैटिंग में अपने पास क्रिस गेल हैं अच्छे ऑप्शन, एवन लुइस हैं, वेंडर एडरसन हैं, लैंडल सिमंस भी आप ले सकते हैं, बबूना भी ले सकते हैं, बट मैं यहाँ से मरकरम लेना चाहूँगा। बात कर लेते हैं गाइस ऑलराउंडर सेक्शन में, ऑलराउंडर में अपने पास भी बहुत अच्छे ऑप्शंस आ जाते हैं, पोलार्ड, रसल, होल्डर, फैबी एलन, सारे अपने मेन ऑलराउंडर प्लेयर रहने वाले हैं। बट गाइस अब सारे प्लेयर तो ले नहीं सकते ना, यहाँ में यहाँ से आंड्रे रसल लेंगे, जेसन होल्डर लेंगे। बात कर लेते हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट में, बॉलिंग डिपार्टमेंट में से शेल्डन कॉटरेल, कगिसो रबाडा, एंड्रिस नॉर्टजे एंड शमसी, गाइस ये मेरे बॉलर्स रहने वाले हैं आज के मैच के लिए। यहाँ से लुंगियन गिडी भी बहुत अच्छे ऑप्शंस रह सकते हैं, बट गाइस अब सारा प्लेयर नहीं ले सकते हम, गाइस हम इन्हीं प्लेयर के साथ जाएंगे। अगर हम बात कर लेंगे कैप्टन वाइस कैप्टनसी के बारे में, कैप्टन मैं बनाऊंगा आंड्रे रसल को एंड वाइस कैप्टन मैं बनाऊंगा क्विंटन डिकॉक को बी के लिए। बस ये मेरी फाइनल टीम रहने वाली है फिलहाल के हिसाब से। आप भी इसी टीम के साथ सारे कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर ही देंगे। तो गाइस ये वीडियो यहीं तक की थी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।